एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग तैयार हो रहे हैं। अभी तो मैं मोलू को तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मुझे भी तैयार होना है। और अभी हम लोग निकलेंगे अपने स्कूल के लिए। और आजकल ना मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, व्लॉग भी रोज़ नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं ना रोज़ स्कूल जा रही हूँ। तो बस वही है कि स्कूल में ना 3 बज जाते हैं और मेरा वीडियो डालने का टाइम 1:30 बजे का है, तो वीडियो भी नहीं डाल पाती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता है। आजकल स्कूल में प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, तो पूरा फोकस है ना मेरा बस बच्चों पे रहता है ना, तो मैं अपने काम को भूल ही गई हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी 1-2 दिन में टाइम निकाल के वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। और वही है कि सुबह जल्दी जल्दी उठो, सारे घर का काम करो, फिर फटाफट से स्कूल के लिए निकल जाओ। तो ना वीडियो शूट कर लेती हूँ तो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, एडिट कर लेती हूँ तो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर आते आते 3, 3:30 बज जाते हैं स्कूल से ही, तो फिर मैं किस वक्त वीडियो डालूँ? शाम को डालती हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँचती है, तो इस वजह से क्या है कि आजकल मेरी वीडियो टाइम पर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन 26 जनवरी के बाद से ना वीडियो टाइम पे आने लगेगी, क्योंकि बस 26 जनवरी तक ही मैं बिज़ी हूँ, उसके बाद तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी और वही अपने डेली के घर के काम ही करने हैं। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रीज़न क्या है, क्यों मेरे व्लॉग है ना डेली नहीं आ रहे हैं जैसे कि पहले आते थे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नॉर्मल घर में रहना और काम करना वो एक अलग बात हो जाती है, और घर के काम के साथ साथ रेगुलर बाहर जाना तो उसमें थोड़ा सा टाइम अलग हो जाता है। और वहाँ जाके क्या है कि म्यूज़िक वगैरह बजने लगता है ना, तो फिर बिल्कुल भी है ना मैं वीडियो पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मैं अपने फ़ोन को उठाती ही नहीं हूँ। चलो हम लोग हो गए रेडी, पारू जल्दी कपड़े चेंज करो और हम जा रहे हैं अभी अपने स्कूल, बिकॉज आई एम अ डांस टीचर। मैं और मेरी एक स्कूल की टीचर है डांस की, तो इन बच्चों को सिखाना है डांस, तो मैं सिखा लूंगी। दो तीन डांस पे वो सिखा देंगे, तो इससे क्या है कि उनको भी बर्डन नहीं पड़ेगा और कुछ स्टेप भी अलग अलग होंगे। देखो सर पे बिठा लिया, सो रेडी हो गए, बस अभी जैकेट वगैरह और पहननी है। तो आज तो ना मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ स्कूटी पे, तो इसी वजह से ना इतने सारे कपड़े खुद भी पहनने पड़ते हैं और बच्चों को भी पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ तो अभी ठंडी वैसी की वैसी है। धूप जरूर निकलती है लेकिन ठंड इतनी भयंकर है ना कि स्कूटी पे अगर आप जा रहे हो ना तो फुल कवर करके जाना पड़ता है अपने आप को, वरना है ना पूरे दांत बजने लगते हैं और बहुत ज़्यादा तेज ठंडी लगती है। इसी वजह से मैंने ना इतनी मोटी मोटी जैकेट बच्चों को पहनाई है और साथ में मैं भी पहनूंगी। ये सूट पहना है, इसके ऊपर मोटी वाली जैकेट भी पहनूंगी, क्योंकि मैं तो खुद चलाऊंगी स्कूटी तो बहुत ठंड लगती है, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं हाथ पैर। सुबह सब लोग फटाफट से हम लोग अब निकल जाएंगे अपने स्कूल और वहाँ जाकर करवाएंगे बच्चों को डांस की प्रैक्टिस। तो डांस की प्रैक्टिस मैं थोड़ी सी यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी है ना यहाँ पे एक तो क्लीनिंग भी नहीं हुई है और उसके साथ साथ म्यूज़िक होता है, तो फिर दिखाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो आज मैं इसको अच्छे से पहले क्लीन वगैरह करवाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि आज ये ना सेकेंड डे था और मैंने सोचा कि ये हमारा जो बड़ा सा स्टोर रूम है ना ये जल्दी खुलता भी नहीं है, बंद रहता है, तो मैंने सोचा यहीं पर बच्चों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। 4-5 चलो हो गई प्रैक्टिस डांस की, देखो ये रोना शुरू, पिन पिन आने लगता है। मैंने लिख दिया अपना केसरिया सॉन्ग सिंगल डांस। चलो 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 आरु लेके जा, ऊपर आने में पकड़ में जाल के ऊपर, वैन की जाल के ऊपर डाल दे, चलो पानी की बोतल ले लो। बच्चों को करा रहे थे पीछे हॉल में डांस की प्रैक्टिस। ओ लाला सुन, अभी बंद रहता है ना बेटा यहाँ पे, तो कोई आता ही नहीं है, हॉल है पूरा ये इतना बड़ा, मार्बल लगा दे तो और डांस करने में और मजा आएगा बेटा। ये तो स्टोर रूम है पूरा, सफाई करा दी पूरे स्टोर रूम की, डांस करने में अच्छा लगेगा अब यहाँ पे बच्चों को। ये पूरा मेरा स्टोर रूम है जो कि खुला ऐसे ही रहता है,
कुछ सामान ऐसे रखा हुआ है इसमें। अब साफ कराने के बाद अच्छा लग रहा है, कल से बच्चों को यहाँ डांस कराएंगे तो यहाँ अच्छा भी लगेगा। अब बच्चे बैठ, और इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है मेरा स्कूल जैसा भी है आप लोगों के सामने है। हो गया बेटा, चल तो ले ले, यहीं से ले ले, मैं यहाँ फिर गेट लगा दूँ। है ले लेगी अकेले? चल चल बेटा। तो चलिए अभी है ना, मैंने इसकी सफाई करवा दी अच्छे से और अब इसको बंद कर देंगे, क्योंकि बस ये डांस के लिए ही ओपन होता है, वैसे ये खुलता नहीं है क्योंकि अभी ये प्रॉपर तरीके से बना नहीं है ना, तो इसको हम लोग जल्दी खोलते नहीं है, बस सामान रखने के लिए यूज़ में करते हैं। और अब जाएंगे फटाफट से ना, ऑफिस वगैरह भी बंद करूँगी, देखूँगी क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, बस लास्ट में मैं ही रह गई हूँ, क्योंकि ये ना सब लोग टीचर वगैरह को तो जल्दी टाइम पर निकालना पड़ता है। मैंने कहा, मैंने जेको बोला, मैंने कहा तुम जाओ मैं आ जाऊंगी लास्ट में स्कूल को बढ़ा के ताले वाले लगा के। तो अभी मैं आई हूँ ऑफिस में और ताले वगैरह ढूंढ रही हूँ ऑफिस में, तो करेगा नहीं बेटा। सबसे पहले ऑफिस को बंद करते हैं, उसके बाद ना मैं आपको आज बहुत सारे काम दिखाऊंगी जो कि स्कूल में करवा रहे हैं हम छोटे मोटे काम, क्योंकि ये ना लॉकडाउन हुआ था ना उसके बाद से स्कूल में पुताई वगैरह या फिर कलर पेंट का काम करवाया नहीं था, तो पूरा स्कूल है ना खराब लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने क्या जय ने सोचा कि कलर पेंट वगैरह करवा देते हैं तो थोड़ा सा है ना लुक भी अच्छा लगेगा। और हो जाता है ना कि गंदी चीज़ तो देखो कुछ भी हो वो नहीं रखनी चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो। तो यहाँ पे अभी कलर पेंट का भी काम चल रहा है और थोड़ा सा जो सीमेंट वगैरह निकल गई है वो भी काम चल रहा है। तो चलिए अभी मैं पहले स्कूटी में सारा सामान रख लेती हूँ, अपनी जैकेट वगैरह सब पहन लेती हूँ, फिर मैं आपको आराम से जो जो नया काम इस अभी स्कूल में हो रहा है ना वो काम मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी तो बहुत सारे काम हैं जो कि करवाने हैं, लेकिन वही है कि घर का काम करवाते हैं तो स्कूल का रह जाता है, स्कूल का काम करवाते हैं तो घर का रह जाता है, क्योंकि बजट पूरा बिगड़ जाता है। आप लोग बोलते हो ना कि आप अपने घर का काम क्यों नहीं करवा पा रहे हो, तो घर का काम बहुत छोटा सा है। अब आप लोग खुद ही सोचो कि इतने बड़े स्कूल का काम करवाते होंगे तो कितना हमको है ना प्रॉब्लम झेलनी पड़ती होगी। आज देखो स्कूल में ना कुछ ये काम करवा रहे हैं ताकि ये जो खराब हो गया है ना सीमेंट वगैरह निकल गई है, इधर से ही कराई उधर भी कराया थोड़ा सा काम, रतनु बाबा लगे हैं काम पे। तो ये रहा यहाँ का काम, क्योंकि देखो बाहर की दीवारें कितनी काली काली हो गई थी बारिश के बाद ना, ये सब खराब लग रही थी। तो अब यहाँ पे ये जो है ना क्रीम कलर अभी हमने करवाया है, क्रीम कलर ये हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, पूरा स्कूल है ना वो एकदम चमकने लगेगा। तो यहाँ पे काम चल रहा है और ये 26 तारीख से पहले हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को ये सब दिखा देती हूँ। और ये काम की वजह से ही ना मैं थोड़ी देर रुक गई थी, मैंने कहा ये काम वगैरह प्रॉपर तरीके से करवा के फिर आऊँगी। और जय तो जा चुके हैं स्टाफ को लेके, तो जब अपनी चीज़ होती है ना तो अपनी चीज़ का ख्याल ऐसे ही रखना पड़ता है। और यही रीज़न है कि मैं स्कूल में ना स्कूल के चक्कर में, स्कूल के इन कामों के चक्कर में ना अपने व्लॉग पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग के भी काफ़ी कॉमेंट आ रहे हैं कि दी क्या हुआ, क्यों आपके रोज़ व्लॉग नहीं आ पा रहे, तो रीज़न अब आप लोगों ने देख ही लिया कि अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा बिजी है तो फिर वो दूसरी चीज़ की तरफ कैसे ध्यान दे पाएगा। और मैं सुबह आ जाती हूँ 9:30-10 बजे तो मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ, उसके बाद 3:30, 3:45 या इस तरह का टाइम हो ही जाता है, घर पहुँचते पहुँचते 3:30 का टाइम हो ही जा रहा है। पता है इस काम के चक्कर में ना, भागदौड़ के चक्कर में मैं खाना पीना भी भूल जाती हूँ। मैं स्कूल में खाना लेकर आई थी लेकिन टाइम नहीं मिला, खाना भी नहीं खा पाया, और घर जाते जाते फिर कहते हैं कि 3:30 बजे किसको भूख लगती है, किसका मन करता है खाना खाने का। तो वो सब चीज़ें भी है ना मेरी आजकल सब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। हाँ तो अब हम जाएंगे घर, फोन आ गया था, गिरिराज कर रहा है मेरे स्कूल की पुताई कलर पेंट ताकि स्कूल थोड़ा सा चमक जाए 26 जनवरी के लिए। बहुत वैसे भी हमने ना लॉकडाउन से, लॉकडाउन के बाद है हाँ तो 4 लाख ले ले तू पुताई करने के गंदा लग रहा था पूरा काला काला हो गया था इसलिए, और थोड़ा चमक तो भी आ गई है, देखो अंदर से कितना अच्छा लग रहा है, चमक रहा है पूरा है ना। चलिए अरे तो होगा बेटा, अभी ये सब ना यहाँ पे भी सीलन है क्योंकि खेत की वजह से सीलन रहती है चारों तरफ, ये सब सही कराया फिर उसको करेंगे। चलिए अब हम जाते हैं घर।
तो आ चुकी अब मैं घर पे। और घर पे आते ही सबसे पहले मैंने ना थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि जब स्कूटी पर आते हैं ना तो बहुत ठंडी हवा लगती है और एकदम से आके ना कोई काम भी नहीं हो पाता। तो थोड़ी देर मैं कंबल ओढ़ के लेट गई थी। उसके बाद फिर ना ये कपड़े सुबह धोकर गई थी, तो इनको ना मैं अभी सुखा रही हूँ और बाकी के कपड़े अभी धोने डाले हैं, क्योंकि सुबह जाना होता है ना तो खाना पीना झाड़ू पोछा इसी में टाइम चला जाता है, तो कपड़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। वैसे तो क्या है कि जब मैं घर पे रहती हूँ ना तो पीछे धूप में डाल देती हूँ, सारे कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। पर है ना यहाँ पे हमारे 2 बजे के बाद है ना यहाँ पे धूप आने लगती है इस जगह पे, तो मैंने अभी स्टैंड यहीं रख दिया है और सारे कपड़े मैं यहीं सुखा दूंगी। और ये कपड़े सुखाने के बाद नीचे जाऊंगी और अभी मैंने मशीन में फिर से कपड़े डाले हैं धोने के लिए। एक्स्ट्रा के बहुत कपड़े हो जाते हैं और मेरी मशीन में बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ नहीं धुल पाते हैं, तो उसी हिसाब से कपड़े धोने पड़ते हैं। तो चलिए फटाफट से ये सारे कपड़े सुखाते हैं, घर का काम करते हैं, फिर शाम को मिलेंगे आपसे जब हम खाना पीना बनाएंगे। क्योंकि कपड़े धोने के बाद है ना मैं थोड़ी देर फिर से जाके लेट गई थी, क्योंकि ठंड की वजह से ना मेरे सर में दर्द होने लगा था। अभी है ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, तो आज सब्जी कुछ थी नहीं घर में, तो मैंने फटाफट से आलू काटे और कढ़ाई में मैंने ना जीरा और तिल जो होती है ना उसको भून लिया है तेल में। उसके बाद आलू और हरी मिर्च थोड़ी सी काट ली और बस इसी तरह से इसको पहले ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करूँगी सारे आलुओं को, और उसके बाद फिर डालूंगी मसाला। तो बस यही सिंपल सी सब्जी बनाई है, क्योंकि घर में कुछ था भी नहीं और जय तो वापस चले गए हैं स्कूल। और सच बताऊं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं मार्केट में जाऊं और सब्जी वगैरह लेके आऊं, बिल्कुल जाने का मेरा मन नहीं था। और वैसे भी शाम हो गई थी, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि जब मैंने कपड़े धोए थे ना तो मेरा पूरा सूट है ना वो भीग जाता है, तो कपड़े भी चेंज कर लेने पड़ते हैं, फिर मेरा मन नहीं किया कहीं जाने का। तो बस आलू की सब्जी में मैंने डाले हैं बेसिक से मसाले, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से ना भून लेना है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस ढक के पकानी है। तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है आलू की ये वाली। तो बस सिंपल सी सब्जी बनाएंगे, साथ में आटा लगा लूँगी और रोटी बना दूँगी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल में रहते हैं ना तो वो भी ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, तो कम से कम ये कि घर पर है ना ढंग से खाना तो खा लेंगे गरम गरम। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने आज जल्दी ही बना दिया था, ताकि मैं थोड़ा सा ना अपने और एक्स्ट्रा काम कर सकूं, और जल्दी काम करने की वजह से ही मैंने अपने व्लॉग को जल्दी से बना पाया है, एडिट कर पाया है, और वरना नहीं तो फिर है ना आज भी मेरा व्लॉग है ना नहीं आता। तो पहले खाने पीने का काम कर दिया मैंने, उसके बाद है ना अपने व्लॉग को लेकर बैठ गई थी एडिट करने के लिए, क्योंकि इतने कॉमेंट आ रहे थे ना और काफ़ी दिन हो गए, मैं खुद ही सोच रही हूँ कि ढंग से कोई मैंने व्लॉग डाला ही नहीं है। और यहाँ पे सब्जी मेरी है ना बन रही है, सब्जी में नमक डाल दिया है, साथ में मैं काट रही हूँ हरे धनिया, और उसके बाद आटा लगाऊंगी, गरम गरम रोटियाँ बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, और जब स्कूल से जय आ जाएंगे तब उनके लिए बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ठंडियों में ना रोटियाँ बनाकर रख दो ना तो उनको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सो इसी वजह से यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है, डालेंगे सब्जी में हरे धनिया और सब्जी हो जाएगी हमारी डन। तो चलिए पहले फटाफट से आटा लगाते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो लीजिए सब्जी देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, और इसी के साथ इस वीडियो को हम करेंगे एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का हमारा सिंपल सा डिनर यही था, मस्त हरे धनिया डाल दिए, सब्जी कितनी अच्छी लग रही।